और पीएनबी ने काफी मींस एक दौर था कि जहां पे पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे चल रहे थे, प्राइवेट बैंक्स नहीं चल रहे। अभी थोड़ा सा हमें ट्विस्ट वहां पे देखने मिल रहा है कि प्राइवेट बैंक्स अभी फ्रंट सीट पे आ गए हैं और पीएनबी में हमें पीएनबी और काफी सारे दूसरी पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी साइडवेजनेस हमें देखने मिल रही है। स्टॉक प्राइस 123 के लेवल पे भी चल रहा है, अभी भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन हम इसका देख रहे हैं कि 115 जो एक मीडियम टर्म का एक लेवल बनता है वो काफी काफी क्रिटिकल लेवल है। इसके 115 के नीचे तो बेशक इस स्टॉक में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में स्टॉक का एक ऑफिशियल नेगेटिव ट्रेंड में आ सकता है। फिलहाल आज के दिन में थोड़ा सा हमें रिकवरी देखने मिल रही है और स्टॉक का रेंज बाउंडनेस देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़े ऊपर के लेवल पे 124 पे है, 128 इसका इमीडिएट रिएक्शन लेवल है, तो वहां पे एक एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते हैं।